हेलो, क्या मैं मिस्टर जॉन मेंडिस से बात कर सकती हूँ? जॉन मेंडिस? तुमको कौन बोला कि जॉन मेंडिस इधर रहता है? बस ऐसे ही पता चल गया। तुम कौन बोलता है? मैं मिस मधु बोल रही हूँ, और प्लीज उन्हें जल्दी बुलाइए, मेरी जान खतरे में है। बुलाता है, अभी बुलाता है। जानी, कबाब में हड्डी, मिडल डिस्टर्ब, बुड्ढा कहीं का। अभी आता हूँ। मोटी, क्या बात है गजल सेठ? वो हरामी जनार्दन की छोकरी बोल रही है। हाँ, थोड़ा होशियारी से बात करना। वो तेरे जो जाल में फंसाने के चक्कर में है, उसमें उसको फंसा लेना। शाबाश। आप उसे बराबर कर देगा। हेलो, जॉन एम मेंडिस हियर। मिस्टर जॉन, उस बेरुपिया जनार्दन को झूठा साबित करके आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना उसकी मोहब्बत के चक्कर में पड़कर मारी गई होती। थैंक यू सो मच। ठीक है, मुझे यकीन हो गया है कि गोपाल का खून जनार्दन ने ही किया है। उसने आपको भी मारने का भी प्लान बनाया है। उसी के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। आप मुझसे अमर बिल्डिंग अंधेरी में 4:30 बजे मिलिए। कोई आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ। क्या बोलती है? आप उनको 4:30 बजे अमर बिल्डिंग अंधेरे में बुला लिए। काहे को? बोलती है जनार्दन आप उनको मर्डर करने का प्लान बनायाला है। झूठ बोलती है साली। जनार्दन तो जेल में है। इच्छी आयला जानी। हाँ? ये हरामी का क्या प्लान है तू जरा मालूम करने को उसको मिल। उसको फंसा के इधर लेकर आ, फिर मैं साली का शबाज बना डालता हूँ। गजल से छोकरी लोगों को फंसाना तो आप उन पैदा होते हैं सीख लिया था। शबाश। ये गया वो आया। हेलो, यू आर ब्यूटीफुल बेबी, यू आर ब्यूटीफुल। आइए आइए, अंदर आइए। थैंक यू। ऐसे क्या देखती है? ये क्या बदतमीजी है? रोमांस करने के टाइम पर दरवाजा तो बंद ही होना चाहिए ना। यू शाउटर, गज्जन से बरोबर बोला, तू बड़ी मर्दबार है। ए बेरोपिया, मैं जानती हूँ कि तू जॉन नहीं है, तू गजानन का आदमी है। अच्छा, आप उनके बारे में जो ज्यादा जान लेता है, आप उसकी जान ले लेता। रुक जा। वेलकम मिस्टर जॉन एमेंडिस। तुम? यस, मुझे देखकर हैरान हो गए ना। लेकिन अगर तुम मर के जिंदा हो सकते हो तो मैं हवाला से बाहर क्यों नहीं निकल सकता? हवाला से भाग आया हो क्या? छी। सरकार ने कहा मिस्टर जनार्दन, हमें नकली जॉन एमेंडिस के लिए हवालात की कोठरी चाहिए, तो मैंने फौरन अपनी कोठरी खाली कर दी। भागने की कोशिश मत करना। अब बताओ तुम कौन हो? जॉन एमेंडिस। जॉन एमेंडिस? यस। Thank you.
जानी तुम? अरे श्याणे, मेरा नाम भी जानता है? नाम ही नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। तुम मेरा जुड़वा भाई हो। क्यों रे भाड़ू, रिश्ता जोड़ता है हा? तुझे बराबर करता हूं। नहीं जानी, नहीं, मुझसे मत लड़ो। तुम फातिमा भी से पूछ लो। साला अपन को फंसाना मांगता है, आज अपन तेरे को खलासित कर डालेगा। मेरा शक ठीक ही निकला, इसको यहां नहीं रखना चाहिए, इसे अपने फॉर्म के बंगले में छुपा देते हैं। हाँ लगा। बदमाश बदमाश बदमाश। अब अपुन बिल्कुल तुम्हारे माफिक लगता है ना जानी? थू! तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं गजानन सेठ से मिल जहन्नुम में जाऊं। हाँ उसका घर जहन्नुम में तो है ही जानी, पर मैं लौट के आऊंगा। इस बीच में तुम्हें यहां कोई तकलीफ नहीं होगी, मतलब दारू गिरू मुर्गी गिरगी सबका बंदोबस्त है। चलो मैं। छोड़ेगा नहीं अपुन तेरे को, साला अपुन पे चक्कर चला गया। इच्छियाला ए आई जनार्दन। जनार्दन नहीं जानी को। चल 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 इच्छियाला। शाबाश, अरे जानी तेरा जवाब नहीं है दोस्त। जिमो, ये छोकरी अपनी खास मेहमान है, अंदर ले जाकर इसकी खास दावत करो। गजनन के बच्चे, देख लूंगी तुझको। चल चल, बढ़िया है देखने वाली साली। करेक्ट, आज से तो मेरा सीधा हाथ, गोपाल का सारा काम तुम संभालोगे। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और तुम्हारी तरक्की की खुशी में एक जश्न मनाते चलो। जश्न चलो। ए जानी मर रहा है, बांग के चला गया साला। कोई नहीं आती तो एक देता और थोपड़ा फिरा देता। सर, आपको फोन है। तुम लगे रहो, मैं भी आता हूं। हेलो सेठ, सेठ आप जानी बोलता है। जानी क्या फेंकता बे, जानी तो मेरे पास है। हाँ नहीं नहीं, वो नकली जानी है, अपन असली है। वो जनार्दन अपन को इधर बांध कर, अपन के कपड़े पहनकर तुम्हारे पास आ गया है। अभी तुम बोलता किधर से? मालूम नहीं सेठ, इस चेहरा भूत बंगला माफिक दिखता है। अपन को इसे निकालोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम घबराओ मत, हम देखता है। इसका फोन था सेठ, कोई छोकरी का नहीं, एक दोस्त का फोन था। पियो पियो। चीयर्स। अब पता चला दोस्त के तुम कितने होशियार आदमी हो। चलो अभी तुम्हारा काम शुरू करते हैं। ए सुनो, उस छोकरी को वहां ले चलो। वहां वो छोकरी उधर कहीं को सेठ, तुम्हारे लिए वो शराब के साथ जरा कबाब चाहिए ना।
समुद्र में आप उनको किधर ले जाता है सेठ? यही अपनी असली दुनिया है। स्मगलिंग? कैसे सेठ, ये शिप अपना है ना? अरे ये क्या, ऐसे 10 शिप और भी है मेरे पास। रियली? जय हो जय हो जय हो, तुम तो बहुत पहुंचे रहे आदमी हो। ये तुम नहीं कहते, अखी दुनिया कहती है। चलो चलो। वाह 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 वाह, ये तो 5-स्टार होटल माफिक है सेठ। अरे तुम आओ तो सही, देखो क्या क्या दिखाता हूँ। अरे ये क्या सेठ, ये छोकरी को कहीं को बांध लेना है? छोड़ दो बेचारी को, छोड़ दो। क्यों, इसका बंदा रहना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है मिस्टर जनार्दन? जनार्दन कहाँ है वो? नाटक नहीं, नाटक नहीं। मैंने पैदा होते ही नाटक में काम करना शुरू कर दिया था साले। तू जानी नहीं जनार्दन है, और मैं गजानन नहीं गज्जू सेठ हूँ, समझा? करेक्ट। तो उसे यही कबूलवाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अबे, तेरा बाप मेरे सामने नहीं टिक सका तो तू किस खेत की ककड़ी है? ले जा बंदर को। हाय अल्लाह, कमीने, नालायक, मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? तुम यहाँ क्यों आए पुप्पी? क्यों बे, तू यहाँ क्यों आया? कमबख्त, पैसों के लालच में तो कुछ भी कर सकता, कुछ भी। देखो पुप्पी, आप उनके मामले में दखल मत देना। चुप रह, दखल के बच्चे अपने सगे भाई जनार्दन के खिलाफ अदालत में झूठी गवाही देते, और तेरी जबान क्यों नहीं कट गई? क्यों नहीं कट गई तेरी जबान? क्या बोला, जनार्दन आप उनका सगा भाई है? हाँ, तेरा जुड़वा भाई है। जानी तुम वारे श्याणे, मेरा नाम भी जानता है? नाम ही नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम मेरा जुड़वा भाई हो। सिर्फ इतना ही नहीं बेटे, जिस जॉन एमेंडिस का भेस तुमने बनाया था वो तुम्हारे पिता थे। पुपी, ये सेठ बरोबर बोला? हाँ, एकदम सच बोले। अरे इसी गजानन ने तेरे बाप को मारकर समुन्द्र में फेंक दिया था, और तेरे बड़े भाई पर गोपाल की हत्या का झूठा इल्जाम लगाया था, और अब तुझे वो कुत्ते की तरह पाल रहा है, समझा? गजानन के बच्चे, इतने दिनों तक अपन कुत्ते की तरह तेरे आगे धूमिलाता रहा, अब तेरे कुछ जाने का असली रूप दिखाएगा। तेरे दिन भर गए ले हैं अब। जाने का है? तेरी मौत की तैयारी कर रहा है। नहीं बताएगा? तेरी लैला से पूछता हूं। बोलो फुलझड़ी, जानी कहाँ है? बोल। नो, नो। गजन सेठ, ये काम तुम मत करो, ये काम जानी करेगा। अरे पर जानी, तुम बच क्या गया? आप बरोबर आ गया इच्छी आयला। शाबाश। ये साला आपुन से 420 करके आपुन को भूत बनाने बांध दिया था, आपुन अब इसकी खटिया खड़ी कर देगा। क्यों रे हराम खोर, काफन चोर, क्यों वे साले, बड़ी होशियारी बताता है क्या? आपुन अभी तेरी हड्डियों का सुरमा बना के तेरी आंख में डाल देगा। देखता क्या रे, देखता क्या रे, देखता क्या रे। हाँ जानी, कहते हैं सांप को और दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, मेरा भी एक ही दुश्मन बचा है, ये जॉन मेंडिस का बेटा, गोली मार दे इसको। गजल सेठ, तुम बोलता है जॉन मेंडिस का एक बेटा है? एक और बेटा भी है। और भी है? कौन है वो? जॉनी द ग्रेट। तेरी मौत। क्या? ए कंजरो, कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगा। छोड़ दो दोनों को। बोल। छोड़ दूंगा। जोर से बोल। छोड़ दूंगा। शाबाश। सब ऐसे डाल। कमल हरी आप, हरी आप। चलो। भैया, उस दिन अपन को मालूम नहीं था कि तुम अपन का भाई है।
इसलिए भूल चुक में तुम्हारी बेइज्जती कर दी। आप उनको माफ कर दो भैया। तुम इस गज्जू सेठ से बदला लेना चाहते हो ना? हम अभी इसको खलाश कर डालेगा। मैं कहती हूँ छोड़ मुझे, छोड़। जानी ने जान देकर
उन दोनों के बाप की मौत का, उसकी इज्जत का, उसके वर्दी का बदला ले लिया। तो तुम खुश हो ना भाई? जोर से एक बार गले लगा लो भाई, जानी मौत को गले लगाने जा रहा है। चंद ला इलाहा इल्लल्ला। इंसाफ और कानून की रक्षा करने में इंस्पेक्टर जॉन ए. मेंडिस ने अपनी जान गंवाई, लेकिन जो काम बाप पूरा नहीं कर सका वो उन बदमाशों को मारकर उनके बेटे जानी ने पूरा किया। जानी मरा नहीं, अमर हो गया। आज आप लोगों ने एक खास बात पर गौर नहीं किया। कौन सी बात? मधुरी दी ने साड़ी पहनी है। साड़ी में क्या सुंदर लग रही है ना?